Hello and I welcome you all to FA with Love. I hope you all are doing well and preparing for your FCAT and CDS examination. So in the previous video, I have talked about the analysis of polity questions that came in CDS 1 2022. So I have showed you the proof of 20 out of 20 questions that directly came from the live batch of FA with Love. So in this video, I am going to talk about the modern history questions that came in CDS 1 2022. So 13 questions were there from modern history and 13 out of 13 questions directly came from our live batch. तो इसमें भी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब जगह ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पे तुम्हें नोटिफिकेशन अपडेट्स सब कुछ मिलते रहे. सो माय नेम इज विवेक केसरी एंड आई हैव क्लियर्ड वेरियस डिफेंस एग्जाम मल्टीपल टाइम एंड रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड एफकैट विद 221 मार्क्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस को. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट. तो पहले कौन सा इवेंट हुआ है और बाद में कौन सा इवेंट हुआ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है कम से ज्यादा. तो जैसे देखोगे मैंने क्लास में एक ट्रिक बताया था इस क्वेश्चन के लिए, तो वो एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया. तो यहाँ पे दिया हुआ है अहमदाबाद मिन स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है, जलियांवाला बाग में से कह दिया हुआ है. तो इधर होता क्या है, देखो ये क्लास की स्लाइड्स है, मैंने इंक्लूड कर रखी है. तो चंपारण कब हुआ था, चंपारण हुआ था तुम्हारा 1917 में, फाइन. एंड इट वाज गांधी जी इंडिया में आए थे एंड उसके बाद चंपारण स्टार्टेड, ही स्टार्टेड चंपारण. एंड फिर नेक्स्ट देखोगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था, 1918 में हुआ था. तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल्स में, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक. फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ये सीक्वेंस है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, उसके बाद क्या हुआ, रावलत एक्ट हुआ. एंड रावलत एक्ट क्या था, रावलत एक्ट में इट वाज डन इन 1919 में था रावलत एक्ट. फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू दिस रावलत एक्ट यहाँ पे तुम देखोगे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है. सो मेनी पीपल वेर किल्ड, मोर देन 2000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन जलियांवाला बाग मैसेकर एंड इट वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट इन आवर हिस्ट्री. सो वी कैन सी ऐसे सीक्वेंस में तुम्हारा इवेंट हुआ था और मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ट्रिक बताया था. एंड वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है ये, देखो मैंने तुम्हें स्लाइड में लिख भी दिया था. सो दिस इज केक, व्हाट इज केक, केक का ट्रिक मैंने बताया था. केक मीन्स व्हाट, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और एक्सट्रीमिस्ट. तो ये कौन थे, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे एंड ये मूवमेंट्स तुम्हारे कराए जा रहे थे भाई गांधी जी कर रहे थे सारे मूवमेंट. तो चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुम्हारा हुआ रावलत एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया. तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया केक, केक इज द ट्रिक, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह एंड एक्सट्रीमिस्ट. सो यू कैन सी चंपारण अगर हम करेंगे तो ये फर्स्ट, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर तुम्हारा हो गया खेड़ा सत्याग्रह, यू कैन सी सत्याग्रह एंड लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में हुआ तुम्हारा जलियांवाला बाग मैसेकर. सो अब इसको करोगे तो मतलब 2, 1, 3 एंड 4, सो 2, 1, 3 एंड 4 करोगे तो बी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड ये तुम्हारा डायरेक्टली क्लास से ही आ गया, इसका मैंने ट्रिक भी बता रखा था तो ये तो सबने आराम से कर लिया होगा, ठीक है. अगर तुम्हें नहीं पता ट्रिक तो तुम ट्रिक लिख लो, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. उसके बाद हो गया तुम्हारा क्या, उसके बाद हो गया तुम्हारा रावलत एक्ट हुआ एंड ड्यू टू रावलत एक्ट जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड, फाइन. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सब्सिडियरी अलायंस किसका है, सब्सिडियरी अलायंस है लॉर्ड वेलेस्ली का, है ना. तो दो चीजें थी, सब्सिडियरी अलायंस थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था. तो सब्सिडियरी अलायंस में मैंने क्या बताया था, सब्सिडियरी अलायंस में मैंने तुम्हें डिटेल्स में पढ़ाया था एंड व्हाट वाज देयर, इसमें था देखो ब्रिटिश इंडिया में आ गए थे एंड ब्रिटिश वॉन्टेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी. तो वो अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना चाह रहे थे. अब कैसे कर रहे थे, या तो पॉलिसी से करेंगे या तो वॉर से करेंगे, है ना. तो वॉर्स भी हुए थे, बहुत सारे वॉर्स हुए थे, लेकिन अभी हमें पॉलिसीज देखना है. पॉलिसीज क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था और तुम्हारा था सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है. तो ये दो पॉलिसीज थे
देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस थे। तो सब्सिडियरी अलायंस किसने लाया था? सब्सिडियरी अलायंस लाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है फाइन। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे सब्सिडियरी अलायंस में क्या था ये पहले समझो। सब्सिडियरी अलायंस मतलब ये था कि मान लो एक इंडियन रूलर है, मान लो देर इज अ इंडियन रूलर हु वुड डिसबैंड हिज ओन आर्मी एंड मेंटेन इंग्लिश ट्रूप एट हिज ओन एक्सपेंस। मतलब ये बोल रहे हैं सब्सिडियरी अलायंस में लॉर्ड वेलेस्ली कि हम गुलामी करेंगे, जो इंडियन रूलर है वो अपनी टेरिटरी में अपने ट्रूप्स को नहीं रख सकता, उसे क्या करना होगा, उसको ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप को रखना पड़ेगा। ही हैव टू कीप दी इंग्लिश ट्रूप, ही कैन नॉट, इंडियन रूलर कैन नॉट कीप हिज ओन ट्रूप, ही हैव टू कीप दी ब्रिटिश ट्रूप। ब्रिटिश ट्रूप को रखना होगा और अपने एक्सपेंस में ही रखना होगा, खुद का खर्चा में रखना होगा। एंड ही हैव टू पे, इंडियन रूलर्स हैव टू पे इंग्लिश, इंग्लिश को पे करना पड़ेगा, है ना, इंग्लिश को पे करना होगा। यही था तुम्हारा सब्सिडियरी अलायंस में। एंड यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो पे भी करना पड़ेगा, एंड अगर इंडियन रूलर्स पे कर रहे हैं तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश तुम्हें प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट यू, ब्रिटिश विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी फॉरेन अटैक या फिर किसी रिवॉल्ट से, किसी भी चीज से वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। ये कंडीशन था तुम्हारी सब्सिडियरी अलायंस में, ठीक है। और ब्रिटिश ने बोला था कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल मैटर में, बट ये एक लाइक बोलने वाली बात थी ब्रिटिश की, वो इंटरफेयर करते थे, वो उनका इंडियन लाइक मैं तुम्हें अगर बोलूँ इंडियन रूलर जो था वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाता था, तो सारा कंट्रोल ब्रिटिश करते थे। एंड एक तरीके से तुम्हारी गुलामी हो रही थी, मतलब इंडियन रूलर्स लॉस्ट ऑल पावर, सारा पावर इंडियन रूलर ने खो दिया इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन अफेयर्स हो, इंटरनल अफेयर्स हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, क्योंकि कुछ वो कर ही नहीं पा रहा था। एंड उसने पूरा इंडिपेंडेंस छोड़ दिया था, खो दिया था इंडिपेंडेंस। एंड ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज ऑल्सो सेंट टू इंडियन कोर्ट। तो ये चीजें हो रही थी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडियन के तरफ से जो सोल्जर्स थे, है ना, तो वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अब ब्रिटिश वाले सोल्जर्स को तुम्हें रखना था, तो ये चीज भी देखा गया। एंड तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो फिर से तुम्हारा नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। तो सब्सिडियरी अलायंस मैंने तुम्हें बताया क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एली, मैंने तुम्हें बताया कि इंडियन रूलर जो है, मान लो इंडियन रूलर है एंड वो क्या करेगा, वो अपने ट्रूप्स को नहीं रख सकता, वो अपने ट्रूप्स को नहीं रख सकता, उसे ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना पड़ेगा। एंड इंडियन रूलर को ब्रिटिश ट्रूप रखने के लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा, इंडियन रूलर हैव टू मेक पेमेंट फॉर कीपिंग ब्रिटिश ट्रूप। सो ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एली, सो ब्रिटिश क्या करेंगे, उसकी जो टेरिटरी है, एली मीन्स व्हाट, इट मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडियन रूलर्स, टेरिटरी ऑफ इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट करेंगे कौन, ब्रिटिश, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया। तो ये स्टेटमेंट सही है, ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एली। फिर इन द टेरिटरी ऑफ एली अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, तो ये भी सही है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया, सो ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज ऑल्सो स्टेंड इन इंडियन कोर्ट। सो इंडिया की जो टेरिटरी है वहाँ के इंडियन रूलर जहाँ पे है वहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी भेजा जाएगा, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो अब ये देखो, द एली वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट, ठीक है, ये भी बात सही है। मतलब जो इंडियन रूलर्स की टेरिटरी है, दे वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज, मतलब उन्हें पे करना पड़ेगा, दे हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट, ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट को पे करना होगा, तभी उसे क्या मिलेगा, तभी उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये तीन पॉइंट सही है, लेकिन ये पॉइंट देखो बी वाली, द एली वॉज फ्री टू एंटर इन टू एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर, तो ये पॉइंट गलत है, तो ये पॉइंट सही नहीं है। बिकॉज जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें कोई भी, उनकी सारी फ्रीडम छीन ली गई थी। सो इंडियन स्टेट, ये पॉइंट देखो, इंडियन स्टेट वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू एनी अलायंस विथ एनी फॉरेन पावर, तो ये अलाउड नहीं था, है ना। तो फॉरेन पावर से मतलब फॉरेन अफेयर्स हो गया, इंटरनल अफेयर्स हो गया, मिलिट्री अफेयर्स, सारा जगह से इन्होंने
अपना पावर लूज कर लिया था। सो एक पपेट की तरह ये काम कर रहे थे, ठीक है, एक पपेट गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो बन गई थी। ठीक, तो ब्रिटिश यहाँ पे पूरा राज कर रहे थे एंड ब्रिटिश गुलामी कर रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे एंड ही ब्रॉट दी पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट सही है, एंड सही वाला द पॉइंट विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये 3 ऑप्शंस तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी एंड अभी भी तुमने देखा होगा तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। तो ये था तुम्हारा 1871 में, तो ये मैंने तुम्हें बताया था, इट हैपेंड इन 1871 जब तुम्हारी 1857 की रिवॉल्ट चल रही थी। 1857 की रिवॉल्ट के टाइम ही दी कनेक्शन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बैच में ऑलरेडी। सो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन इन विच ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ट्रिकी क्वेश्चन भी है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ रखा है तो तुम आराम से कर लोगे। सो प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट, तो अब मुझे ये बताओ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तुम बोलोगे कि हाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी। तो इस समय क्या हो रहा था, इस समय तुम देखोगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही थी एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कब हो रही थी। तो अगर तुम हिस्ट्री में देखोगे सो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 अनाउंस ऑन 19 जुलाई 1905 बाई लॉर्ड कर्जन। सो जो लॉर्ड कर्जन थे उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि हम जो बंगाल है बंगाल को हम डिवाइड करते, ठीक है, एंड लॉर्ड कर्जन वाज देयर, ही वाज दी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये वाइस रॉय थे इंडिया के तुम्हारे 1899 से 1905 तक। ठीक है, अब क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन, इनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि हम डिवाइड करते। अब जो बंगाल थी वो बहुत ही बड़ी प्रोविंस थी एंड उसको डिवाइड करना उतना इजी नहीं था, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यस लेट डिवाइड इट, लेट्स डिवाइड, लेट्स डू द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इन्होंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम। ठीक है, सो बंगाल में तुम देखोगे इस साइड में 84% हिंदूज एंड इस साइड में 58% मुस्लिम। सो दिस वॉज डिवाइडेड बाई लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया एंड फिर देखोगे क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो बंगाल वॉज अ वेरी बिग प्रोविंस एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, तो ये इन्होंने रीजन दिया इसीलिए हमने डिवाइड किया, लेकिन रियल रीजन क्या था, रियल रीजन वॉज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सो यू कैन सी कर्जन इंडिया छोड़ के चले गए, ही लेफ्ट इंडिया एंड मिंटो केम। नवम्बर 1905 में कर्जन, लॉर्ड कर्जन चले गए इंडिया से एंड मिंटो केम, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कर्जन के ऊपर, एंड लॉर्ड मिंटो केम। ठीक है, अब लॉर्ड मिंटो आ गए एंड इट वाज इन दी बनारस सेशन, बनारस 21st बनारस सेशन। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखोगे तो मॉडरेट्स थे एक्सट्रीमिस्ट थे, तो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट तो यहाँ पे आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट फेस चल रहा था। एंड यहाँ पे देखोगे तो लॉर्ड मिंटो जब आए थे, लॉर्ड मिंटो आए थे देन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड एंड लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, ही वाज वाइसरॉय ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने लाया एंड इन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड दिस थिंग, ही क्रिएटेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम। तो प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम वॉज गिवन इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही ये आया था एंड जैसे कि तुम देख रहे हो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना एंड लॉर्ड मिंटो जब थे, लॉर्ड कर्जन पहले थे, लॉर्ड कर्जन चले गए इंडिया से 1902 से 1903 तक, लॉर्ड कर्जन वॉज देयर इन इंडिया। ठीक है,
फिर नवंबर 1905 में क्या हुआ, नवंबर 1905 में कर्जन जो थे ही लेफ्ट इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड मिंटो आ गए। एंड लॉर्ड मिंटो के आने के बाद यू कैन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई 1906 में। एंड यू कैन सी कि सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम वॉज गिवेन ड्यूरिंग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑप्शन है। तो ये तो इजी था, ये हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखा था एंड दिस वाज वेरी इजी। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर देखोगे, इन द 19th सेंचुरी पीजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर्स, तो ये सही है। एंड इन 1875 में क्या हुआ, अ विलेज एट सुपा इन पुना डिस्ट्रिक्ट इन द बॉम्बे डेकन प्लेजेंट ऑफ अटैक्ड बाई अटैक शॉपकीपर बर्न दी बही खाता ग्रेन शॉप एंड सेट फायर ऑफ द हाउस ऑफ द साहूकार्स। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था क्या हुआ था, 1857 रिवोल्ट हो रहा था। ठीक है, अब व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, वो तो मैंने तुम्हें बताया था, वो म्यूटिनी वाली चीज थी। लेकिन और भी चीजें थी, द मेन रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द 1857 रिवॉल्ट, बहुत सारे रीजंस थे। तो कॉजेस अगर देखोगे, मेन रीजन फॉर दिस वाज रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीपल बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिवॉल्ट हुए, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, इंडियन पीपल का शोषण हो रहा था। तो फार्मर्स थे, कॉमन मासेस थे, फिर जमींदार थे, रूलर्स थे। ठीक है, तो सारे लोगों का तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडिया में। एंड हमने देखा था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री हैपेंड, तो पीजेंट को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था एंड उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि तुम कैश क्रॉप ग्रो करो, तुम इंडिगो ग्रो करो, तो इन्हें फोर्स किया जा रहा था, पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। एंड जो किसान थे वो इससे नाराज थे एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मूवमेंट किया था, दे डिड मूवमेंट। एंड इफ यू सी दिस मूवी लगान, तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी इट डिपिक्ट द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स इंडियन हैव फेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन को कैसे स्ट्रगल करने पड़े हैं, वो सारी इस मूवी में दी हुई है। एंड सारे स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो देख रहे हो 19th सेंचुरी में जो पीजेंट है, जो तुम्हारे फार्मर्स है, किसान है, इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज अ रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड ग्रेन डीलर्स, सो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ये तुम्हारी कब की है, ये तुम्हारी रिवोल्ट ऑफ 1857 की है, 1857 रिवोल्ट की बात है। सो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। सो नेक्स्ट अगर देखोगे, द रुइंस ऑफ हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दिस वॉज ब्रॉट बाई कर्नल कोलिन मैकेंजी। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। तो फिर ये देखोगे, हु अमंग द फॉरेन डिड नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो, इसमें तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा व्हाट इज नो चेंजर, व्हाट इज स्वराज पार्टी। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है। तो यू कैन सी व्हाट, तुम देखोगे कि गांधी जी की फेस चल रही थी। ठीक है, तो अब नो चेंजर स्वराज कौन है ये लोग, तो अगर देखोगे 1922 की क्या चल रही थी, 1922 की हम देखते हैं गया सेशन चल रही थी। एंड 1922 गया सेशन में प्रेसिडेंट थे कौन, प्रेसिडेंट थे तुम्हारे चित्तरंजन दास। तो इस सेशन में क्या हुआ, ये तुम्हारी 1930 से 1947 की बात है। इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले अगर देखोगे तो गांधी जी की गांधीयन एरा पार्ट वन चल रहा था 1915 से 1930 के बीच में। सो हियर व्हाट हैपेंड, हियर प्रेसिडेंट वाज चित्तरंजन दास एंड मोती मोतीलाल नेहरू, ही वाज दी सीनियर लीडर। एंड यहाँ पे ये क्या डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इलेक्शन करना है, वी वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। गांधी जी बोल रहे थे कि भाई साहब तुम्हें इलेक्शन नहीं करना है, तुम अभी इलेक्शन को बॉयकॉट करो। तो ये बात है तुम्हारी नॉन एनसीएम के बाद वाली, है ना। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी 1920 से 1922 के बीच में, है ना, एनसीएम हो रही थी। एंड एनसीएम में गांधी जी ने बोला था कि हमें स्वराज चाहिए एंड ये सब चीजें हो रही थी। फिर
फिर तुम देखोगे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, फिर एनसीएम को सस्पेंड कर दिया गया था, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था एनसीएम के बाद। तो ये सेशन थी, गांधी जी तब जेल में ही थे, गांधी जी ने बोला कि इट इज अगेंस्ट माई आइडियोलॉजी, डोंट कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हैपेंड। तो एक स्वराज पार्टी बन गई जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी, एंड एक तुम्हारे नो चेंजर्स बन गए, ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। तो नो चेंजर्स कौन थे, नो चेंजर्स वो थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, दे यूज टू सपोर्ट गांधी जी आइडियोलॉजी। नो चेंजर्स वो थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो स्वराज पार्टी में अगर तुम देखोगे, सो इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दे कंटेस्टेड इलेक्शन, गांधी जी ने मना किया लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर गांधी जी ने अलाउ कर दिया था कि तुम इलेक्शन लड़ो लेकिन डोंट लीव कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारे कौन थे, यहाँ पे यू कैन सी मोतीलाल नेहरू वाज देयर, लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने अपनी अलग ही ग्रुप बना ली थी एंड ये स्वराज पार्टी बना लिए थे। लेकिन इनके अलावा जो लोग थे, जैसे कि तुम्हारे हो गए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, एम ए अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, तो ये लोग नो चेंजर्स थे, ये गांधी के सपोर्टर्स थे एंड इनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई थी। तो ये इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले थे किसी और के अलावा, बिकॉज गांधी जी ने इन्हें ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर दिया था। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी गांधी जी, एंड ही इन्फ्लुएंस्ड ऑल दिस पीपल। तो हमें यही पूछा है कि नो चेंजर से कौन बिलोंग नहीं करते हैं। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन इन्होंने लड़ा था एंड इलेक्शन ये लोग जीत भी गए थे, स्वराज पार्टी वाले लोग, ठीक है। तो असम, बंगाल, हर जगह में ये जीत गए थे। तो हमें बस जानना है कि नो पार्टी के कौन नहीं थे। तो नो पार्टी में अगर देखोगे तो नो चेंजर्स में एम ए अंसारी थे, विट्ठल भाई पटेल थे, ये भी थे, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी भी थे, एम ए अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, तो ये तीनों लोग थे। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, कौन नहीं थे, डिड नॉट बिलोंग, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू नो चेंजर्स ग्रुप। सो नो चेंजर्स ग्रुप में ये तीनों थे एंड ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं थे, ही वॉज नॉट इन नो चेंजर्स ग्रुप। यहाँ पे मैंने तुम्हें देखो ये स्लाइड में ऑलरेडी इंक्लूड किया है, राजेंद्र प्रसाद थे, फिर तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, एम ए अंसारी, सी राजा गोपालाचारी, ये सारे लोग थे, लेकिन दिस पर्सन वॉज नॉट देयर, कस्तूरी रंगा अयंगर, ही वॉज नॉट देयर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस हेल्प्स, आई होप इट हेल्प्स। तो नेक्स्ट यू कैन सी 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वेयर फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1928। तो ये चीज़ ये कब हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा गांधीयन एरा के टाइम में ही हुआ था। तो इसे तुम्हें समझना होगा कि ये क्यों हुआ था एंड कब हुआ था। सो यू कैन सी जब हम देख रहे थे गांधीयन एरा, जब कांग्रेस की स्प्लिट हुई, स्वराज पार्टी नो चेंजेस बन गए, अभी हमने देखा स्वराज पार्टी और नो चेंजेस बन गए, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की बात हो रही थी एंड व्हाट वाज देयर इन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में देखोगे इट इज नोन एज साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में क्या था, इट वाज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ग्रोथ के लिए था। एंड ये जो कमीशन थी, यहाँ पे सारे मेंबर्स, 7 मेंबर की कमीशन होगी एंड सारे 7 मेंबर्स जो थे वो तुम्हारे नॉन इंडियंस होंगे। तो ऐसा बोला गया था भाई, साइमन कमीशन, 7 मेंबर्स कमीशन एंड सारे तुम्हारे नॉन इंडियंस होंगे। तो इंडियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि भाई साहब सारे नॉन इंडियन होंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे बनेगी। सो दिस वाज द मेन इशू। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1927 में मद्रास की इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई एंड एम ए अंसारी ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर साइमन कमीशन को, इन्होंने बोला कि बॉयकॉट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि गो बैक साइमन, इन्होंने बोला गो बैक साइमन, साइमन कमीशन जो थी इन्हें बोला कि भाई साहब तुम जाओ। मेन इशू था कि वहाँ पे सारे इंग्लिश मेंबर्स थे, इंडियंस एक भी नहीं थे। तो मद्रास सेशन हुई 1927 के एंड साइमन गो बैक का ब्लैक फ्लैग निकाला गया एंड गो बैक साइमन, तो ये चीज़ किया गया। एम ए अंसारी वॉज दी प्रेसिडेंट एंड बॉयकॉट किया गया। एंड यू कैन सी
लाला लाजपत राय यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। नवंबर 1928 की बात है, लाला लाजपत राय जो थे ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन। एंड साइमन कमीशन के अगेंस्ट जब लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे इन 1928 इन लाहौर, सो ही वॉज किल्ड इन द प्रोटेस्ट बाई साउंडर्स। तो इन्हें साउंडर्स ने मार दिया था, साउंडर्स ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का। सो देर वॉज एन ऑफिसर जेम्स स्कॉट गेव द ऑर्डर ऑफ लाठी चार्ज। तो इसने इसे मार दिया था लाला लाजपत राय को। एंड वी कैन सी वॉट वी कैन सी लालाजी डाइड इन दी लाठी चार्ज। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुम्हारी ये एसोसिएशन बनाई गई थी, ये वाली एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। सो दिस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड दिस एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1928 जब लाला जी की डेथ हो गई, लाला लाजपत राय लाला जी की डेथ हो गई। उसके बाद ये एसोसिएशन बनाया गया किसके द्वारा, भगत सिंह थे, है ना, भगत सिंह थे, फिर तुम्हारे राजगुरु थे, फिर सुखदेव थे। तो ऐसे लोग थे एंड इन्होंने मिलके तुम्हारी कमीशन को बनाई। एंड जैसे मैंने तुम्हें लेक्चर में बताया था कि भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, एंड उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने किया दे किल्ड साउंडर्स। तो साउंडर्स वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर, साउंडर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर था एंड इसे इन्होंने मार दिया। जेम्स स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लेकिन साउंडर्स को इन्होंने मार दिया। सो इसके वजह से और भी चिंगारी भड़क गई एंड भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को जेल में डाल दिया गया। तो ये तीन लोग नहीं थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, फिर तुम्हारा और भी कुछ लोग थे, दे वेर देयर, लेकिन यू कैन सी दिस चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, फिर भगत सिंह थे। तो सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद को गोली ही मार ली थी, एज यू हैव सीन इन सम मूवीज, कुछ मूवीज में दिखाया गया है एंड तुमने पढ़ा भी होगा इस बारे में, ठीक है। सो ऑलवेज वॉच मूवीज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजगुरु, तो यहाँ पे बस एक ही होगा, इन बाकी लोगों ने नहीं किया था। तो दिस वॉज द रीजन कि ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स को इन्होंने मार दिया गया था एंड लाला जी की डेथ के वजह से ही ये चीज की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी करा रखा था एंड तुम्हें लिंक करना पड़ता है चीजों को, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, ईयर्स के हिसाब से तुम्हें लिंक करना होता है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यू हैव टू लिंक द थिंग्स, ठीक है। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर मूवमेंट, गदर पार्टी, तो ये तो बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। सो इट वॉज इन सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर गदर पार्टी का। फिर देखोगे ये कब बना, इट वॉज मेड इन 1913 गदर पार्टी। तो गदर पार्टी कब बना था, सो पैसिव फेस ऑफ रेजिस्टेंस चल रहा था एंड यू कैन सी कि जो गांधी जी ही वॉज इन साउथ अफ्रीका, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वहाँ पे उन्होंने बोला कि जला दो जितने भी इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, एंड उसके इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, शोषण हो रहा था। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब इंडियंस को ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता था वेन एवर दे यूज टू मूव एनीवेयर, ठीक है, एंड दे यूज टू बर्न दिस। तो ये सारी चीज़ें हुई थी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम गदर पार्टी वॉज फॉर्म 1913 में। सो इट वॉज फॉर्म इन सैन फ्रांसिस्को। फिर न्यूज़पेपर के बारे में मैंने बताया था, तो ये इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच। तो मैंने तुम्हें बताया था बाल गंगाधर तिलक, तो गोपाल कृष्ण गोखले का न्यूज़पेपर क्या था, यू कैन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्लास में कराया था, इनका न्यूज़पेपर था ही वॉज गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के गुरु थे एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज द न्यूज़पेपर विच वॉज स्टार्टेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले इन ईयर 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले का न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया नहीं था, तो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, तो वॉइस ऑफ इंडिया वॉज नॉट न्यूज़पेपर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। जो बंगाली था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का न्यूज़पेपर था। सो यू कैन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका जो न्यूज़पेपर था वो बंगाली था, इट वॉज बंगाली। एंड मराठा,
ये मैंने तुम्हें बताया था, बाल गंगाधर तिलक 1916 में जब होम रूल लीग की स्टार्टिंग हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, एंड किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। तो इन्होंने न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था केसरी एंड मराठा, ठीक है, एंड इन्होंने कॉमन व्हील किया था एनी बेसेंट ने। तो देखो बाल गंगाधर तिलक का तो मराठा है, ये मैंने तुम्हें कराया ही था क्लास में, इनका भी कराया था एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का ही कराया था, तो ये तुम तो एलिमिनेट कर लोगे आराम से। तो बाल गंगाधर तिलक मराठा है ये तो करेक्ट है, सुरेंद्रनाथ टैगोर इनका भी करेक्ट है, इनका तो रॉन्ग ही दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले का मैंने तुम्हें कराया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर नवजीवन ये किसका था, ये था महात्मा गांधी का, तो ये महात्मा गांधी वाले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो ये हमने डिस्कस किया था, तो ये तीनों सही है, और विच इज नॉट करेक्ट दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा डी नॉट करेक्ट हो गया, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा एंड कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी समझने में। तो देखो ऐसे ही हमने स्टडी किया था एंड ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गए डायरेक्टली क्लास में। तो टिल द टाइम यू डोंट हैव द क्लैरिटी ऑफ ऑल दिस टॉपिक यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्लैरिटी रिक्वायर्ड है फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। सो हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर बंगाली वीमेन सीरियलाइज ऑटोबायोग्राफी अमर कथा, तो सी इज बिनोदिनी दासी। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट यू शुड नो। फिर देखोगे 1916 की लखनऊ सेशन, 1916 द ईयर 1916 इज इंडियन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट वाई। तो 1916 मैंने तुम्हें बताया था वाई दिस ईयर इज इम्पोर्टेंट, तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लखनऊ सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस लीग पैक्ट, मतलब कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की यहाँ पे तुम्हारी पैक्ट हुई थी लखनऊ पैक्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दे साइंड अ दे साइंड द लखनऊ पैक्ट एंड दे गॉट यूनाइटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग आल्सो हैपेंड। तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया होम रूल लीग 1916 में बना, इट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। तो तीनों इंसिडेंट हुआ था, देखो क्या हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 की, तो लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, एंड एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यहाँ पे यूनाइटेड हो गए थे, सो दे गॉट यूनाइटेड, फाइन। एंड यू कैन सी 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हमने देखा बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो दीज आर दी थिंग्स, इफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर इन आवर माइंड देन वील बी इजिली बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सारे करेक्ट हो गए, तो ये इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुमने कर रखा है अच्छे से तो तुम आराम से कर लोगे। तो बैच में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, तो सारे लोगों ने कर लिया होगा होपफुली, ठीक है। पॉलिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और जितने भी सब्जेक्ट हमने कवर किया था इन डेप्थ कवर किया था, पॉलिटी का जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, मॉडर्न हिस्ट्री का भी दिखा रहा हूँ। तो अभी तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि अगर तुम बैच ज्वाइन कर लेते तो तुम्हारा भी अच्छा स्कोर आ जाता पॉलिटी में, ठीक है। सो विल बी स्टार्टिंग अ बैच सीडीएस बैच वेरी सुन, CDS 2 2022 बैच वेरी सुन, सो तुम ज्वाइन कर सकते हो सीडीएस के बैच एंड एफकैट बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग, FCAT 2 2022 बैच इज स्टार्टिंग वेरी सुन। सो अपडेट्स तुम्हें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ट्यून्ड रहना, स्टे ट्यून्ड रहना, एंड यूट्यूब में भी तुम ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब में भी अपडेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसने किया था, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब कैसे कैसे किया था इन्होंने, तो ये देखो ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था दादाभाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। सो दादाभाई नौरोजी ने क्या किया था, यू कैन सी व्हाट, इन्होंने एक बुक लिखा था, इनका बुक क्या था, इनका बुक था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन्हें रियलाइज हो गया था, जो दादाभाई नौरोजी थे इन्हें पता चल गया था कि जो ब्रिटिश है वो हमारी सारी जो वेल्थ है वो यूज कर ले रहे हैं, दे आर ड्रेनिंग आवर वेल्थ, ब्रिटिश आर ड्रेनिंग आवर वेल्थ। एंड ही रोट इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि ये जो हमारी पॉवर्टी है इट इज मेजरेबल, ठीक है। सो दादा भाई नौरोजी ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया, इन्होंने बुक में लिखा पॉवर्टी एंड अनब्रिजेस रूल इन इंडिया, सो ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ इज हैपनिंग। सो ये चीज़ हम देखते हैं, ये भी एक मॉडरेट ही थे, ये तुम्हारी 1885 से 1905 की फेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जब स्ट्रगल चल रही थी। सो पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो ये थी तुम्हारी दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, एंड सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे सेम टू सेम ही आ गए, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सबने कर लिया होगा, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 13 out of 13 क्वेश्चन। होपफुली तुम सबको समझ में आया होगा, एंड सारा मैंने प्रूफ इंक्लूड कर दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए एंड कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो होपफुली सबको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं, लाइक विल बी स्टार्टिंग दी सीरियस एंड एफकेट बैच वेरी सुन। तो टाइम कम था, लास्ट टाइम मान लो वी गॉट अराउंड 50 days फॉर दी सीरियस बैच। तो 50 days में हमने जितना भी एफर्ट डाला, That was worth it, ठीक है। तो मान लो 20 questions, 20 out of 20 तुम्हारे पॉलिटी से आ गए, 13 out of 13 तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री आ गए, फिजिक्स के तुम्हारे 10 out of 20 questions आ गए, फिर हमने जो बाकी सब्जेक्ट्स कवर की थी, बाकी सब्जेक्ट ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हम बायो नहीं कर पाए थे, केमिस्ट्री नहीं कर पाए थे, अगर ये अच्छे से कवर करते, फिर ज्योग्राफी कवर किया था तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आए थे अच्छे खासे। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने किया था, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री आई कवर्ड, एंड 20 out of 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम, एंड 13 out of 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो तुमने देख लिया, एंड फिजिक्स वाली एनालिसिस भी जल्दी आएगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड और भी वीडियोज चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों को शेयर कर देना। एंड CDS की बैच जो है, बहुत लोग पूछ रहे थे CDS बैच, CDS 2 2022 बैच और FCAT की बैच, तो ये कब स्टार्ट होगी? तो बैच विल स्टार्ट सुपर सून, जल्दी स्टार्ट होगी, इसी मंथ में स्टार्ट होगी, एंड अपडेट्स मैं Instagram एंड Telegram में डाल दूंगा। तो मान के चल लो इसी मंथ में तुम्हें बैच स्टार्ट हो जाएगी, एंड होपफुली अगर तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड अगर तुम्हारा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है तो यू कैन सर्टेनली ज्वाइन द बैचेस ऑफ FCAT एंड CDS, सो दैट यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन यार तुम्हें मिल जाते हैं क्लास से। तो मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये बोलते हैं कि हाँ आ गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, बट दे नेवर शो यू द प्रूफ, ठीक है। सो बोलने का तो कोई भी बोल देगा, बट हियर आई हैव शोड यू द प्रूफ दैट हाउ क्वेश्चन हैव डायरेक्टली केम। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैचेस एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। So, I'll be sharing the details very soon. So, तुम लोग just stay tuned to the channel and Instagram and the Telegram, ठीक है। So, अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को क्लास को वाइंड अप करता हूँ। तो तुम मुझे ये बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, देन इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज, ठीक है। सो जस्ट डू दिस थिंग, कमेंट बिलो एंड टेल मी हाउ वॉज द सेशन, ओके। So if this was helpful, do share with your friends and do share your views about this session. So Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram.